चेन्नई की तरफ से आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक्चुअली बैंगलोर से आ रही थी, डायरेक्शन सेम है, बैंगलोर से आ रही थी, हावड़ा जा रही थी। ये गाड़ी कुछ सेकेंड पहले आ रही थी कोरोमंडल से, ये जा रही थी बैंगलोर से हावड़ा की तरफ, और उल्टे डायरेक्शन में हावड़ा से चली हुई, मतलब शालीमार से चली थी एक्चुअली, कलकत्ता का एक स्टेशन है शालीमार, वहाँ से चली थी, शालीमार से चली हुई ये गाड़ी कोरोमंडल, ये चेन्नई जाने के लिए आ रही थी। इसके लिए भी मेन लाइन सेट थी, दूसरे डायरेक्शन की थी, जिसको हम लोग अप लाइन, अप मेन लाइन कहते हैं, उस लाइन का डायरेक्शन सेट था, रूट सेट था, हर तरह से सिग्नल सेट थे, और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है, और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है, वो 128 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे था। जो एक्सीडेंट ग्रस्त हुई, और अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई, उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज इम्पैक्ट था, वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी, 128 kmph पे, मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी, जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है, तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी, एंड दी एंटायर, पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया, कोचिंग ट्रेन थी ये।